दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फिनलैंड के सीवी और कवर लेटर बनाने के तरीके के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप खुद से कैसे मुफ्त में सीवी और कवर लेटर बना सकते हैं, पूरा का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। अगर आपको लगता है कि हम आपको लूटते हैं, हम आपसे बिना मतलब के पैसे लेते हैं दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक देखिए दोस्तों। खुद से सीवी बनाना सीखिए और किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है फिर, ठीक है ना? हमें देने की जरूरत है ना किसी और को देने की जरूरत है। आप खुद से वेबसाइट पर जा सकते हैं दोस्तों, अपना थोड़ा सा समय निकाल सकते हैं और खुद के लिए सीवी और कवर लेटर बना सकते हैं दोस्तों। यूरोपास सीवी कवर लेटर अगर आप बनाना चाहते हैं विदाउट लॉगिन, जी हां दोस्तों सही सुना आपने, बिना लॉगिन करे आप सीवी और कवर लेटर बना सकते हैं। आपको लॉगिन के चक्कर से होकर के नहीं गुजरना पड़ेगा, आपको अपना ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। आपको जो है 5 मिनट के अंदर-अंदर कैसे सीवी और कवर लेटर तैयार कर लेना है, क्या-क्या डिटेल्स भरनी है, कैसे भरनी है, सीवी कवर लेटर कैसे डाउनलोड करना है, सारी की सारी जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। बस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा दोस्तों, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं पब्लिक इंजन। पहले भी बहुत बार आपको बता चुका हूं यूरोपास सीवी और कवर लेटर बनाने का तरीका, लेकिन दोस्तों मैं लॉगिन करके तरीका बताता था, इसीलिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते थे। वो आके कमेंट बॉक्स में लिखते थे कि सर लॉगिन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आई नो कि थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस है, इसीलिए आज मैंने जो है आपके लिए नया वीडियो बना दिया दोस्तों, जिसमें मैं आपको बिना लॉगिन के सीवी और कवर लेटर बनाना सिखाऊंगा दोस्तों। इसमें जो है आपको कोई लॉगिन वगैरह नहीं करना, कोई आपको मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना यूरोपास का, आप डायरेक्ट यूरोपास की वेबसाइट पर जाकर के एज अ गेस्ट अपना सीवी और कवर लेटर बना सकते हैं। और अगर इसके बावजूद अपना सीवी कवर लेटर नहीं बना पा रहे दोस्तों, तो हम तो है ही, आप कभी भी हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। व्हाट्सएप कीजिए, कॉल मत कीजिएगा क्योंकि कॉल हम पिक नहीं कर सकते हैं। अभी आपका ज्यादा टाइम वेस्ट करूंगा नहीं दोस्तों, अभी पहले मैं आपको वेबसाइट पे लेकर चलता हूं, सीवी और कवर लेटर दोनों बनाने का तरीका बताता हूं, डाउनलोड करने का तरीका बताता हूं, उसके बाद बाकी की बातें करेंगे। दोस्तों अगर आप खुद के लिए फिनलैंड का सीवी और कवर लेटर फ्री में बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके टाइप कर लेना है दोस्तों यूरोपास सीवी कवर लेटर, और आपको बस सर्च कर लेना है। इतना सर्च करने के बाद ही आपके सामने देख सकते हैं रिजल्ट्स आ चुके हैं, europa.eu की वेबसाइट आ चुकी है दोस्तों। मैं हमेशा बताता हूँ कि europa.eu की वेबसाइट से जो है आप खुद के लिए यूरोपास सीवी कवर लेटर बना सकते हैं, ठीक है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे दोस्तों, यहाँ पर कुछ लिंक्स देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन हम पहले लिंक पर क्लिक करके भी अपना सीवी और कवर लेटर क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें सिंपली जो है पहले लिंक पर क्लिक कर लेना है, यहाँ पर लिखा हुआ क्रिएट योर यूरोपास कवर लेटर, इस पर क्लिक करने के बाद नए पेज पे आ चुके हैं दोस्तों। नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा, नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो एक ऑप्शन है क्रिएट यूरोपास, ठीक है। क्रिएट योर यूरोपास पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद एक और नया पेज खुलेगा दोस्तों, नए नए पेज पे हम जाते रहेंगे और अपना सीवी बना लेंगे दोस्तों फ्री में। फ्री में सीवी बनाने का तरीका बता रहा हूँ, बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। जैसे ही ये पेज खुलेगा दोस्तों, आपके सामने जो ये पॉपअप आ जाएगा कि अगर आप अपना यूरोपास बनाना चाहते हैं, या तो रजिस्टर करिए, लॉगिन करिए, या फिर कंटिन्यू एज अ गेस्ट करिए, ठीक है। लॉगिन वो लोग करेंगे जिन्होंने ऑलरेडी यूरोपास पे सीवी बना रखा है, रजिस्टर वो लोग करेंगे जो नया अकाउंट बनाना चाहते हैं, और जिनको अकाउंट नहीं बनाना, बस सीवी और कवर लेटर से मतलब है, कंटिन्यू एज अ गेस्ट पे क्लिक कर सकते हैं दोस्तों आप। और उसके बाद जो है यहाँ पर क्रिएट माई प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर लेना है आपको, ठीक है। आपको कंटिन्यू एज गेस्ट पे क्लिक करना है, याद रखिएगा ये ऑप्शन सिर्फ एक बार का है दोस्तों। एक बार अगर आप सीवी और कवर लेटर बनाते हैं एज अ गेस्ट, तो आप जो है उसको मतलब एडिट नहीं कर पाएंगे, और आप अगर सही तरीके से डिटेल्स नहीं डालेंगे दोस्तों, और अगर गलती से ब्राउज़र बंद कर दे देंगे, तो आपको जो है फिर से सारी की सारी डिटेल्स भरनी पड़ेंगी, सारी जो है हिस्ट्री मतलब डिलीट हो जाएगी दोस्तों। अकाउंट बनाने के बाद क्या होता है, अगर कुछ आप डिटेल्स इनपुट करते हो तो वो डिटेल्स वहीं रहती हैं, आपके अकाउंट में रहती है, लेकिन अगर आप एज अ गेस्ट कंटिन्यू कर रहे हो, ब्राउज़र बंद हुआ गलती से, नेट बंद हुआ, सर्वर स्लो हुआ, तो आपको जो है फिर से पूरा का पूरा डेटा भरना पड़ेगा, तो मेहनत दोबारा करनी पड़ सकती है, ठीक है। यहाँ पेज ओपन हो चुका है दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम मैंने डाल दिया, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आप डाल सकते हो, जेंडर डाल सकते हो, नेशनैलिटी आप डाल सकते हो दोस्तों। यहाँ पर जो है आपको जैसे ही आप क्रिएट माई प्रोफाइल पर क्लिक करोगे, तो ये पूरा फॉर्म ही खुल जाएगा, जहाँ पर आप अपनी पूरी प्रोफाइल मतलब जनरेट कर सकते हो दोस्तों, यहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स भर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ से नहीं भरना चाहते हो, तो आप डायरेक्ट जो है अंदर यूरोपास के मेन पेज पे जा सकते हो और वहाँ से डायरेक्ट डिटेल्स भर सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पर अगर यहाँ से नहीं भरना है हमें, तो हमें स्किप ऑल स्टेप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर स्किप का एक ऑप्शन आएगा, स्किप करने के बाद यहाँ लीव कर देंगे इस पेज को, और अभी देखिए हम यूरोपास के मेन पेज पर आ जाएंगे दोस्तों, जो कि मेन अकाउंट का पेज होता है, वो भी ऐसे ही दिखता है। अभी आप देख सकते हो ये मेन पेज आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ही सीवी तैयार होगी, यहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स दी गई हैं, कॉलम्स बने गए हैं दोस्तों, आपको जो है बस उसमें अपनी डिटेल फिट इन करनी है। तो यहाँ पर अगर आप फोटो लगाना चाहते हो, तो एडिट पे क्लिक करके यहाँ पर सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करके अपने फ़ोन या लैपटॉप से जो है फोटो सिलेक्ट कर सकते हो दोस्तों, और उसको जो है सेव कर सकते हो, फोटो किसी भी टाइप की फ़ोटो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो सौरभ आनंद लिखा हुआ है, इंग्लिश लिखा हुआ है, यहाँ पर आप एडिट पे क्लिक करके बाकी की सारी जानकारी भर सकते हो। याद रखना दोस्तों, अभी तो मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो
ऐसे मतलब कुछ भी आपको बताऊंगा, सिर्फ सारी की सारी चीज़ें नहीं भरूंगा, भरूंगा तो एक घंटा लग जाएगा। आपको जल्दी से जल्दी शॉर्ट तरीके में बताने वाला हूं दोस्तों, ताकि आप भी खुद के लिए सीवी और कवर लेटर बना सके और वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना हो। अब ये जो पेज है दोस्तों, यहाँ पर आपको अपनी सारी डिटेल्स भरनी है और यहाँ पर डिटेल्स भर के सीवी को क्रिएट कर लेना है दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाली जानकारी है, यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालने के लिए बोला जाएगा, मोटो डालने के लिए बोला जाएगा, फिर अबाउट मी डालने के लिए बोला जाएगा दोस्तों। अबाउट मी जो है आप ऑब्जेक्टिव डाल सकते हैं या फिर अपने बारे में बता सकते हैं, प्रोफाइल डाल सकते हैं, समरी डाल सकते हैं, सारी की सारी चीज़ें आप जो है अबाउट मी वाले ऑप्शन में डाल सकते हैं। आपको कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा और वो डाल देना होगा दोस्तों, ठीक है। जैसे मैंने अभी टाइप करके डाला है, वहाँ पर आपको कम से कम 3 से 4 लाइनों का जो है ऑब्जेक्टिव डालना होगा, ठीक है। उसके बाद ईमेल एड्रेस डाल देना है दोस्तों, उसके बाद फ़ोन नंबर आप सिलेक्ट कर सकते हो सिलेक्ट वाले ऑप्शन में, यहाँ पर आपको जो है कंट्री कोड सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों। उसके बाद नंबर डाल देना है, आप एक से ज़्यादा नंबर ऐड कर सकते हो यूरोपास में। उसके बाद सोशल मीडिया आपको जो है अगर ऐड करना है तो आप लिंक यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो, आपको सोशल मीडिया सिलेक्ट करना है, उसके बाद ऐड कर लेना दोस्तों। फिर इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए व्हाट्सएप वगैरह भी आप ऐड कर सकते हो, एड्रेस भी ऐड कर सकते हो दोस्तों, एक से ज़्यादा एड्रेस ऐड कर सकते हो आप यहाँ पर आराम से। जो है आपको कुछ करना नहीं है, सिंपली सारी चीज़ें डालने के बाद सेव कर देना दोस्तों। उसके बाद देख सकते हो दोस्तों, यहाँ वर्क एक्सपीरियंस का एक ऑप्शन है, जिस पर क्लिक करके आप जो है ऐड कर सकते हो अपने वर्क एक्सपीरियंस। यहाँ पर आपको जो है अपना टाइटल डाल देना है, कौन सी आपने काम किया है दोस्तों, सपोज वेल्डर का काम किया है, कौन सी कंपनी में काम किया है, एम्प्लॉयर डाल देना है दोस्तों, सिटी में आपको सिटी डाल देनी है, कंट्री डाल देनी है दोस्तों। उसके बाद एड्रेस डिटेल्स और डालना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ पर फ्रॉम और टू का ऑप्शन है दोस्तों, आप कब से कब काम किया है वो डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर आप करंट काम कर रहे हो तो आप टू के बगल में ऑनगोइंग लिख सकते हो, उसको ऑन कर दोगे तो वो करंट में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको डाल देनी है दोस्तों, हर चीज़ का जो है एग्जांपल दिया गया है, ताकि आपको जो है अपना सीवी और कवर लेटर बनाने में ज़रा सी भी दिक्कत ना आए। आपको जो है दोस्तों बस इस वेबसाइट पे आ जाना है और मेरे बताए गए प्रोसेस को फॉलो करते रहना है। सपोज़ लैंग्वेज स्किल्स ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मदर लैंग्वेज में आप अपनी मदर लैंग्वेज डाल सकते हैं, बंगाली, हिंदी, पंजाबी, जो भी है। अदर लैंग्वेज में जो है आप अदर लैंग्वेज डाल सकते हैं, जो भी आपको आती है दोस्तों, इंग्लिश और आपको अगर फ्रेंच आती है तो वो डाल सकते हैं, वगैरह वगैरह। डालने के बाद यहाँ पर अपना जो है आप लेवल सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितनी मतलब समझ आती है, कितनी आप बोल पाते हो, ये सारी चीज़ें जो है आप लेवल सेलेक्ट कर सकते हो दोस्तों। A1 से जो है बेसिक चालू होती है दोस्तों, और C2 जो होता है वो प्रोफिशिएंट होता है, यानी कि जो बहुत धड़ल्ले से अंग्रेज़ी बोलते हैं उनके लिए C2 यूज़ किया जाता है, और जो बहुत ही हल्की इंग्लिश बोलते हैं वो A1 यूज़ करते हैं दोस्तों। तो ये लेवल होते हैं, एक बार जब आप लेवल सेलेक्ट कर लेते हो, लेवल सेलेक्ट करने के बाद सेव करते हो ये लैंग्वेज वाला ऑप्शन, तो आपको जो है कुछ ऐसा ये बॉक्स देखने के लिए मिलता है। उसके बाद नीचे ही आपको डिजिटल स्किल्स ऐड करने का ऑप्शन मिलता है दोस्तों। डिजिटल स्किल्स में भी आप जो है अलग अलग डिजिटल स्किल्स ऐड कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड, यहाँ पर पावर पॉइंट, सोशल मीडिया, गूगल ड्राइव, ये जो है कुछ यहाँ पर आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको यही सारी चीज़ें ऐड करनी है, आपको जो है ऐसे उठा करके ड्रैग कर लेना होता है उस साइड, ताकि आपके सीवी में ये ऐड हो जाए। अदरवाइज़ अगर आप ये ड्रैग नहीं करना चाहते हो, आपको कुछ अपना इनपुट करना है दोस्तों, अपना कुछ टाइप करना है, तो आप टाइप करके भी ऐड कर सकते हो दोस्तों। आप जो भी टाइप करोगे वो आपके सामने सजेशन आ जाएगा, आपको बस उसको वहाँ से ऐड कर लेना होगा, ठीक है। सपोज़ अभी यहाँ पर मैं जो है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज टाइप करूँगा या फिर बेसिक कंप्यूटर स्किल टाइप करूँगा। टाइप करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर आ चुका है दोस्तों, और यहाँ पर मैं इसको ऐड कर लूँगा और वो ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद यहाँ पर सेव कर लेंगे दोस्तों। इसी तरीके से जो है आप बाकी के कुछ नए सेक्शंस भी ऐड कर सकते हैं और उन सेक्शंस में जो है अपनी जानकारी भर सकते हैं। सपोज़ यहाँ क्रिएट न्यू सेक्शन वाले ऑप्शन पर गए, यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, हॉबीज़, प्रोजेक्ट्स, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, वॉलंटियरिंग, ड्राइविंग लाइसेंस, क्रिएटिव वर्क्स। आप जो है अलग अलग ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो दोस्तों, और उसके हिसाब से जो है अपनी डिटेल्स वहाँ डाल सकते हो। मैं आपको बता दूँ, जितनी ज़्यादा जानकारी आप डालोगे उतना ही ज़्यादा आपका जो है अट्रैक्टिव लगेगा सीवी। एक बार जब आपका सीवी कंप्लीट हो जाता है दोस्तों, तो ऊपर आप एग्जिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पर क्रिएट अ सीवी वाले ऑप्शन पे आ सकते हो दोस्तों। अभी हमने जो है प्रोफाइल जनरेट की है, मैं आपको बता दूँ जो हमने किया है वो प्रोफाइल जनरेशन था। अब यहाँ पर जो है क्रिएट अ सीवी वाले ऑप्शन पे आकर के स्टार्ट फ्रॉम प्रोफाइल करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगर आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं तो नो थैंक्स करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ 4 टेम्पलेट्स होते हैं दोस्तों, यही 4 टेम्पलेट जो है यूरोपास के ऑफिशियल टेम्पलेट्स हैं, आप इनमें से चूज़ कर सकते हो। कलर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो दोस्तों, आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको लोगो लगाना है कि नहीं अपने सीवी में। उसके बाद पेज नंबर वगैरह ऐड करना है कि नहीं, ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पे जो है यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे सीवी को जो है प्रीव्यू करने का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, यहाँ प्रीव्यू कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर ऊपर ही आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, जितनी ज़्यादा जानकारी आप डालोगे उतना ही आपका अट्रैक्टिव सीवी होने वाला है, लेकिन ज़्यादा जानकारी का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप जो है 15-15 जो है आप एक्सपीरियंस डाल दें, वर्क एक्सपीरियंस।
जो रेलेवेंट एक्सपीरियंस होते हैं दोस्तों या फिर जो मोस्ट रिसेंट एक्सपीरियंस होते हैं, आप प्लीज़ उन्हीं एक्सपीरियंस को डालिए, क्योंकि 15-15 एक्सपीरियंसेस देखने के लिए नहीं बैठा कोई भी एम्प्लॉयर, वो भी बोर हो जाएगा दोस्तों और वो भी साइड में रख देगा आपका सीवी। इसीलिए शॉर्ट एंड क्रिस्प रखिए, लेकिन जानकारी अच्छी डालिए, अपने बारे में ज़्यादा कुछ डालिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि कवर लेटर कैसे बनाना है। यहाँ पर आपको जो है क्रिएट सीवी के नीचे ही क्रिएट न्यू कवर लेटर का ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आकर के जो है आप यहाँ पर क्रिएट न्यू कवर लेटर वाले ऑप्शन पर फिर से एक बार क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो है फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालना पड़ेगा दोस्तों, अपना एड्रेस डालना है, पोस्टल कोड वगैरह डालना है, सिटी वगैरह, कंट्री वगैरह, ईमेल आईडी, फोन नंबर वगैरह डालना है दोस्तों। इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए आप अपना व्हाट्सएप डाल सकते हैं यहाँ पर, और उसके बाद सेव कर सकते हैं। सारी चीज़ें सेव करना मत भूलिएगा दोस्तों, अदरवाइज जो है आप जो है अपना कवर लेटर बना नहीं पाएंगे, आपको सारी डिटेल्स फिर से भरनी पड़ेंगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होता है पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स डालना। अगर आपके पास किसी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल नहीं है, आप जेनरिक सीवी बनाना चाहते हैं, तो आपको वो ऑप्शन ही नहीं भरना है दोस्तों, उसको कैंसिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद सिटी डेट सब्जेक्ट में जो है आपको सब्जेक्ट डाल देना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ वगैरह वगैरह वगैरह, आप किस जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो डालने के बाद नीचे कंटेंट वाले ऑप्शन पे आ जाना है दोस्तों। डेट और टाइम मत डालिएगा, ताकि आप जो है उस कवर लेटर को बार बार यूज़ कर सकें। कंटेंट वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर ओपनिंग सैल्यूटेशन आया है दोस्तों और लास्ट नेम आया है, तो ओपनिंग सैल्यूटेशन में डियर डाल देंगे, लास्ट नेम अगर आपको पता है किसी हायरिंग मैनेजर का तो वो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको नहीं पता है तो आप डायरेक्ट हायरिंग मैनेजर ही डाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मेन बॉडी में जो है आपको मेन कॉन्टेंट लिखना होता है दोस्तों, कि आप क्या लिख रहे हैं इस कवर लेटर में अपने बारे में, वो सारी चीज़ें डालने के बाद नीचे क्लोजिंग का ऑप्शन आता है दोस्तों, जिसमें आप सैल्यूटेशन डालते हैं, योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, मतलब सारी चीज़ें डालने के बाद नीचे अपना नाम डालने के बाद आप जो है अपने कवर लेटर को सेव कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है दोस्तों, इतनी आसानी से आप जो है खुद के लिए फ्री में सीवी और कवर लेटर बना सकते हैं। एक बार जब आपका सीवी बनकर तैयार हो जाता है दोस्तों पूरी डिटेल्स के साथ, तो आपका सीवी जो है कुछ इस तरीके का लगता है, आप भी खुद के लिए ऐसा सीवी बना सकते हैं। देखा दोस्तों कितना आसान है खुद के लिए फिनलैंड का सीवी और कवर लेटर बनाना, आप भी खुद के लिए फिनलैंड का सीवी कवर लेटर बना सकते हैं दोस्तों, वो भी मुफ्त में। आपको मैंने पूरा का पूरा तरीका बता दिया, इस तरीके को फॉलो कीजिए, अपना सीवी कवर लेटर बनाइए दोस्तों, आप अपने पैसे बचाइए और फिर जॉब्स के लिए अप्लाई कीजिए। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया दोस्तों, तो फिर से एक बार बोलूंगा कि बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि आप तक यूं ही अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे दोस्तों, और हाँ वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।